खाया नहीं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, एग्जामपुर लेकर आया है 30 बेहतरीन मॉक टेस्ट आप सबके लिए। उसमें मैथ्स के सभी टॉपिक में कवर करूंगा और वो होगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, बिल्कुल फ्री। सभी एप्लीकेशन के बच्चे जिन्होंने एग्जामपुर में ज्वाइन किया है, सबके लिए फ्री होगा। तो आप आइए, अपना दम लगाइए। उसमें मैं कवर करूंगा सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो इस साल इसके लास्ट ईयर में आए हुए हैं। सारे एग्जाम, एसएससी के सब एग्जाम को मैं कवर करूंगा और कोई भी एग्जाम जो वनडे एग्जाम है सब करूंगा। तो सब बच्चे आए और अपना दम लगाए और देखें आप में कितना है दम। जरूर आए, फ्री फाउंडेशन प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल एग्जामपुर वासियों के लिए। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? योगिता, मेरा हिंदुस्तान नंबर वन, रिया ठाकुर, रंजना शर्मा, यशिका, सुधीर, हीर, प्रिया, पप्पू, लकी, वर्षा, विक्रम, अंकुश, नीशु राय, कंचन जूही, शीशम। आज है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस और कल क्या था? कल था डॉक्टर्स डे। ठीक है, ओके ओके ओके। रूपशिखा, सुरभि, बजरंगी, लकी, सुशील, शरद, रमा, पल्लवी, नरगिस, एसके, बजरंगी, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बहुत मुश्किल होने वाला है। बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि भैया पेपर जो है आपका इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड, ये पेपर बिल्कुल जो है हार्ड होने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अरे इस वर्ड में देख लो ज़रा, इम्पॉसिबल वर्ड में, इस इम्पॉसिबल में खुद ही आई एम पॉसिबल लिखा है। ठीक है, क्या है ये कि भैया मैं पॉसिबल हूँ, टेंशन मत लो तुम, बस तुम मेहनत करते चले जाओ। तो यहाँ पे आपको इस हार्ड पेपर को, हार्ड इन द सेंस क्या, क्यों बोल रही हूँ हार्ड, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है पेपर, लेकिन द नंबर ऑफ पर्सन जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हो उनमें अपनी एक निश्चित रैंक बनाना, ये हार्ड है। और उस हार्ड के लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क और अपने इस इम्पॉसिबल को बनाना पड़ेगा आई एम पॉसिबल। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं, क्या आप सभी तैयार हैं अपने उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए? अगर हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। प्रैक्टिस सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि वो जो आई एम पॉसिबल वाला जज्बा है और वो जो आपका टारगेट है वो आपके तक पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप लोग जो हमारा मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस फाउंडेशन बैच चल रहा है, कहाँ पे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, जहाँ पे मैथ्स के फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं विकास पाराशर सर, आप वहाँ पे आ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। कहाँ से डाउनलोड करनी है ये ऐप? तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद तो फिर आराम से आप सर के प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात आ जाती है कि मैथ्स मास्टर बैच आपका आ रहा है 1499 का आपका ये कोर्स है, जिसके अंदर आप पहले 100 दिन के लिए UPSI, SSC, GD और UP SSC PET के एग्जाम की तैयारी करोगे और अगले जो 80 दिन होंगे उसमें सर आपको टारगेटेड तरीके से पढ़ाएंगे, आपको CGL, CHSL, MTS, Steno, CPO, बैंक और रेलवेज के लिए। तो आप लोग अमित वर्मा सर से पढ़ सकते हैं अपने इस बैच में।
मैथ्स मिरर की जो किताबें हैं जो आप तक पहुंची हैं उसी के ऑथर सर हैं और आप इनके बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो संजीवनी बैच जिसका कॉस्ट प्राइस अब आप लोगों के लिए 999 रुपीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं अपने लक्ष्य की ओर। यस, हाँ मिस्टर हेजे कह रहे हैं कि मैडम हमें ना एग्जाम देने में डर लग रहा है जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है, तो बात तो वही मैं कह रही हूँ ना। बात में बच्चे क्या कह रही हूँ, बात में यही कह रही हूँ आपसे कि पेपर टफ होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी करना छोड़ दोगे या इस तरह से डर के बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है, हम सभी जानते हैं, रोज भैया टीवी में ऐड सुनते हैं, लेकिन यह बात पता है बिल्कुल सच है, डर के आगे सच्ची में जीत है। क्योंकि कहते हैं कि जो मतलब अपने इस डर को ओवरकम कर देता है ना, वो अपनी आधी जो जंग है वो तो ऐसे ही जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या, किसी दिन इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी, अभी पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कल वाली ही सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स इज करेक्टली मैच। वैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, पावर की किलोग्राम, नहीं जी, पावर की वॉट होती है और किलोग्राम होती है मास की, यानी कि द्रव्यमान की, ठीक है। इंडक्टेंस की हेनरी, यानी कि प्रेरकत्व की हेनरी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रेरकत्व की हेनरी होती है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस की ओम, यानी कि संधारित्व की ओम होती है, नहीं जी, संधारित्व की होती है फैराड, ठीक है। और जो ओम होती है ये होती है रेजिस्टेंस की, यानी कि प्रतिरोध की। और लास्ट आ जाता है आप लोगों के लिए फोर्स की न्यूटन, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। अब दिमाग में आएगा मैम यहाँ तो दो ऑप्शन सही हमें मिल गए, इंडक्टेंस की हेनरी और फोर्स की न्यूटन, तो इन दोनों में से हम किसको मार्क करें। अब आप देखो, अगर मैं बात करूँ ये जो इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कहाँ पे चलें, दसवीं तक देखे, आपको ज्यादातर बच्चों को बाकी चीजों की पता होती है कि किलोग्राम किसकी है, ओम किसकी है, न्यूटन किसकी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब दोनों में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है, तो हम उस पे जाएंगे जो जनरल बेसिस पे सबको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की न्यूटन हम इसको करेक्ट आंसर मान रहे हैं। MTS का जब पेपर हुआ था 13 अगस्त को शिफ्ट 3, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका SSC है उसने क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर माना है, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इसको बेनिफिट ऑफ क्वेश्चन देना चाहिए था, क्योंकि इनका क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है गलत हैं, तो बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको अब पता है कि हर एक क्वेश्चन पे चैलेंज करने के लिए भी हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, है ना। तो इस वजह से शायद इसके ऊपर चैलेंज नहीं उठा, और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन में जो वो है बेनिफिट ऑफ डाउट वो नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पे किस किस चीज के बारे में बताया, प्रेरकत्व की हेनरी होती है, कैपिटल एच से आप इसको शो करते हैं, ठीक है। दूसरा, हेनरी नाम के साइंटिस्ट के ऊपर ही ये बेस्ड है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की फैराड होती है, माइकल फैराड के नाम से ही फैराडे निकाला गया, माइकल फैराडे के नाम से फैराड निकाला गया, कैपिटल एफ से आप इसको शो करते हो, ठीक है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता क्या है, बेसिकली आपका कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर अगर हमें एनर्जी स्टोर करनी है ना, तो वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के रूप में होती है। अब यहाँ पे इंडक्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, आप अगर किसी कॉइल की बात करते हो, उस कॉइल की वजह से किसी और पदार्थ में क्या हुआ, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हम कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इंडक्टेंस आ जाती है, प्रेरकत्व आ जाती है, ठीक है, इंड्यूस किया आपने किसी और चीज को। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह जो है ना, यह क्या करती है, यह DC को अलाउ करती है और AC को ब्लॉक करती है, यानी कि अपने अंदर से DC को तो पास होने देगी, डायरेक्ट करंटों को तो पास होने देती है, लेकिन जो AC होता है, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसको ये पास नहीं होने देती। इसका विपरीत करता है कौन, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है, आप उसको दो पैरेलल लाइन से शो करते हो, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये DC को ब्लॉक कर सकती है और AC को ही अलाउ करती है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी आपसे वैसे इतना डेप्थ में पूछता नहीं है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे टेक्निकल वाला बच्चा हो, JEE वाला बच्चा हो, तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है आपका इंडक्टर, ये आपको तब पता होना चाहिए। अच्छा, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपिटल C से कैपेसिटेंस को हम मापते हैं और इंडक्टेंस को हम L से शो करते हैं, ठीक है। चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल. निम्न में से कौन सी एक धातु है. ओके, यहाँ पे वैसे आप लोगों को आंसर दिख ही गया है, बट कोई बात नहीं, चलो जिसको नहीं दिखा है वो आंसर करेगा इस क्वेश्चन का. जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा. मिस्टर एजे, हाँ संडे की बात बता दूं भैया, एक इम्पोर्टेंट सूचना हम भूल गए, जरा बताना. देखो संडे को सुबह पांच बजे आपका जीके का सेशन है, ठीक है, कौन लेंगे, महेश सर. फिर उसके बाद 8 बजे से आपका करंट अफेयर्स का सेशन है, कौन लेंगे, विशाल सर. फिर उसके बाद 9:30 बजे आपका मोटिवेशन का सेशन है, जो आपको संजीव सर आप लोगों को जरूरी सूचना और मोटिवेशनल चीजें बताने वाले हैं. 10 बजे करंट अफेयर्स का एक सेशन है, विशाल सर और मैं आएंगे वहां पे, ठीक है. तो ये क्या होगा, ये आपका एक सेशन होने वाला है. नेक्स्ट हो जाता है, फिर आ जाता है 12 बजे. 12 बजे क्या होगा, 12 बजे मैं लेके आ रही हूँ बॉटनी की क्लास, ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ बॉटनी की क्लास ठीक 12 बजे. तो आपको क्या करना है, 2 घंटे का सेशन रहेगा, उसमें मेरे साथ जुड़ना है अगर आप चाहते हो बॉटनी पढ़ना. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बॉटनी पढ़ा दीजिए. तो अब आपकी वो जो फरियाद है वो सुन ली गई है, ठीक है, क्योंकि कल हमने फैराडे को पढ़ा है, तो इसलिए आज जो है आज आपकी फरियाद सुनी गई. और आप लोगों के लिए संडे को बॉटनी का एक सेशन 2 घंटे का लेके आ रही हूँ, कहाँ, SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर. अब अगर आप लोग चाहते हो बॉटनी पढ़ना, तो मैं ये चाहूंगी कि जितने भी प्यारे छात्र हैं वो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि बाकी अदर बच्चों तक भी यह बात पहुँच पाए. और इस बार मुझे रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, ठीक है. रिस्पॉन्स अच्छे का सिंपल मतलब क्या होता है कि भैया अगर हम अपना संडे यहाँ पे आके आपको दे रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि यहाँ पे फिर जो है ना सारे बच्चों को मैं एक साथ पढ़ा पाऊँ. फिर बार बार 4 दिन बाद कोई और बच्चा आके ना बोले कि मैम बॉटनी की भी क्लासेस करा दो ना प्लीज, ठीक है. इसी वजह से कहती हूँ कि शेयर कर दिया करो, ठीक. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फर, आयोडीन, आयरन या कार्बन. तो आंसर क्या करोगे कि भाई देखो अगर हम सल्फर की बात करते हैं, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है. आयोडीन की बात करते हैं, नॉन मेटल है. कार्बन की बात करते हैं, नॉन मेटल है. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का फेरस, यानी कि लोहा. लोहा क्या है, लोहा आपका एक धातु होती है, ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. मतलब भैया अचार खाते हो आप लोग, ठीक है, तो वो जो अचार होता है उस अचार को क्या किया जाता है, उस अचार को संरक्षित किया जाता है जब आप दुकानों से लेके आते हो, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज डाली जाती है जिसकी वजह से वो अचार संरक्षित हो जाता है. यादव राज, नितेश कह रहे हैं CHSL का एग्जाम कब होगा, Tier 1 2020. बच्चे यादव राज, इस 7 जुलाई तक, यानी कि 7/7/2021 तक आपका जो है कैलेंडर रिलीज कर देगा SSC, ऐसा उन्होंने सूचना जारी करी है. तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि सितंबर से आपके एग्जाम्स, वो अगस्त या सितंबर से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, वेरी गुड. नहीं, कंप्लीट नहीं होगी. जो बच्चे कह रहे हैं ना मैम क्या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी बॉटनी, अरे भैया इतना भी कम नहीं है. क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. एक दिन में अगर सारा कुछ पढ़ा दिया ना, तो सब ऐसे एरोप्लेन की तरह सर के ऊपर से उड़ जाएगा. फिर क्या कहोगे कि मैडम हमें तो समझ में नहीं आया, क्या करें. तो इसी वजह से एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में नहीं पुट करूंगी. मैं चाहूंगी ये कि आप एटलीस्ट 1 हफ्ता उसको रिवाइज करें, ताकि अगला सेशन में अगले संडे लेके आऊँ, ठीक है. तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने सोडियम बेंजोएट आंसर किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, देखो बेंजोइक एसिड के साथ जब हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है. और ये जो सोडियम बेंजोएट होता है ना, ये काफी अच्छा क्या होता है, ये काफी अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है. आप जो जैम्स और सॉसेस खाते हो ना, यहाँ पे अगर पिकल्स की बजाय जैम्स या सॉसेस लिखा होता, तब भी आप सोडियम बेंजोएट आंसर करते. इसके अलावा यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल होता है. आपके घरों में जो अचार पड़ता है उसमें मम्मी विनेगर डाल देती हैं, उसमें मम्मी सॉल्ट डाल देती हैं, है ना. इसके अलावा उसमें क्या डाल देती हैं, राई होती है ना, मस्टर्ड,
उसको उसका उपयोग कर लेती हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब क्या हैं, ये सब आपके प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। ठीक है, देखा करो मम्मी क्या कर रही हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो उसके बारे में जांचा करो कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। कीजिए आंसर। कोबाल अमीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डैश। जो कोबाल अमीन है वह निम्न में से कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है, साथ साथ बताएंगे इसका रोग। मेरे बीरबल हो आप लोग, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी बीरबल है वो सही उत्तर दें और साथ साथ क्या करें, और साथ साथ जो है ना यह भी बताएं कि इससे कौन कौन सी बीमारी होती है कोबाल अमीन की कमी से। सुरभि, हाँ मसाले भी बहुत सारे डाले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ अचार ऐसे भी तो होते हैं जिनके अंदर मसाले नहीं डालते, नमक डाला, विनेगर डाला, काम खत्म। बिल्कुल सही दिलेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी B12, ठीक है, ये आंसर आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन मैंने पूछा आपसे रो, यहाँ पे देखो B1 थियामिन कमी से बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कमी से स्कर्वी, विटामिन B12 नाम देखा है आपने कोबाल अमीन, इसके शरीर में बनने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, नीड कोबाल्ट फॉर क्रिएशन, फॉर यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन। ठीक है, और विटामिन ई क्या हो जाता है, हम क्या कहेंगे, ये जो विटामिन ई है ये हो जाता है आपका टोकोफेरॉल, जिसके कारण क्या होता है, अगर इसकी शरीर में कमी हो तो स्टरिलिटी हो जाती है, यानी कि बांझपन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बांझपन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोर्स पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा एसिड यानी कि अम्ल और उनके स्रोत का जो युग्म है वह सही जुड़ा हुआ है। फॉर्मिक एसिड और टैमरिंड यानी कि फॉर्मिक अम्ल और उसके साथ साथ इमली, दूसरा है सिट्रिक एसिड एंड लेमन यानी कि सिट्रिक एसिड और नींबू, तीसरा है एसिटिक एसिड और एंट्स स्ट्रिंग यानी कि जो आपकी एसिटिक अम्ल होता है उससे चींटी जब आपको काट लेती है वो, और चौथा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड एंड विनेगर यानी कि लैक्टिक एसिड और सिरका। बहुत अच्छे समीरन। कंचन, अगस्त 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 आप मान के चलिए, अगस्त में आपका एग्जाम है। ठीक है, बी 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 बी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। ठीक है, ओके ओके, बी बी बी, चलो जी बहुत अच्छे। लेकिन साथ साथ ये भी तो बताओ ना बाकी चीजें किस पे मिलती है। अरे भैया मैं क्या बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बीरबल हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है कि भाई देखो सिट्रिक एसिड लेमन है, बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, फॉर्मिक एसिड बोले तो HCOOH है ना, और ये किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपके चींटी के डंक में एंड स्ट्रिंग। ठीक है, बी यानी कि वैस्प जो होती है, जो ततैया होता है जिसको आप बर्रा कह देते हैं, इसके अलावा हनी बी जो होती है उसके डंक में, नीटल लीव्स में यानी कि बिच्छी की पत्तियों में, इन सब में क्या मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड मिलता है। टैमरिंड के अंदर आपको टार्चरिक एसिड मिलता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड लेमन, लेमन के अलावा आंवला या फिर ऐसी जो भी खट्टे फल होते हैं लीची आदि, इन सब में ऑरेंजेस, उन सब में आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, जिसके फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड होता है यह किस में है, यह आपका विनेगर में होता है। विनेगर बोले तो 95% वाटर, 95% जल में 5% CH3COOH।
ठीक है, ये चीज रखना। नेक्स्ट आ जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाएगा, जल्दी से बताएं। सुरभि, इन सब चीजों को नोटबुक में नोट करो। अब जो है ना, कुछ ज्यादा आदत खराब हो रही है आप लोगों की, सबकी पीडीएफ। भैया पीडीएफ आपने इतनी इकट्ठी कर ली है ना कि अब आपको जो है ना रिवाइज नहीं हो रहा आपसे, क्योंकि बार बार पता है इतने आलसी हो गए हो आप लोग कि आपकी रिविजन नहीं हो रही इस चक्कर में। और एक चीज बताऊं, कभी कभार क्या होता है जब हम लिखते हैं ना, तो वो चीज हमें बाद में याद आती है पेपर में। मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ, आई थिंक 8th क्लास की बात है, शायद 8th क्लास का ही था, यूटी था हमारा, वो 25 नंबर का होता है ना कि हर मंथ में एक टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट बोला करते थे उसे, ठीक है। तो वो मंथली टेस्ट होता था, बोलते उसको यूटीज थे, यानी कि यूनिट टेस्ट बोलते थे। अब वो जो 25 नंबर का टेस्ट था ना, उसमें था केमिस्ट्री, उसका साइंस का एग्जाम, ठीक है, 8th क्लास की बात है, नहीं नहीं 8th नहीं 10th की बात है, क्योंकि एच सी वर्मा पढ़ते थे, याद आ गया। तो बेसिकली क्या है, 10th क्लास की बात है, और 10th क्लास में जो है, जो हमारा ये जो पेपर था, उस टाइम पे हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ा था, और उसके अंदर ना यही जो केमिकल फॉर्मूलाज है ना, यही सब चीज़ें थी। तो अब जो है, हम हमेशा ना, मैं भी आप लोगों की तरह थी कि यार इतना सब कुछ लिखना पड़ता है, क्या ज़रूरत है, बिना लिखे काम नहीं चल सकता क्या। तो अब बेसिकली क्या होता था, नोटबुक्स चेक होती थी, टीचर्स जो है नोटबुक्स चेक करते थे, तो अब भैया नोटबुक चेक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स राइटिंग पहचानते थे कि भैया ये इसने नहीं लिखा, ये तो किसी और ने लिखा है, तो इस वजह से खुद ही बनाते थे अपनी नोटबुक्स। अब क्या होता था कि जब अपनी नोटबुक हमने खुद बनाई ना, पेपर दे रहे हैं, पेपर देते देते ना एक क्वेश्चन में अटक गए, मैंने कहा यार 24 नंबर आ जाएंगे, एक नंबर रह जाएगा अगर जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बहुत टाइम बचा अपना, ठीक है, फटाफट पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, ऐसे 15-1 मिनट बचे थे, और सोच रहे यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। आंख बंद करी एंड जो है ना, मतलब आप इमेजिन कीजिए, सच्ची घटना है, मेरी खुद की अपनी ये घटना है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ना, मैं मतलब ऐसे मैंने आंख बंद करी एंड आई वाज लाइक कि हाँ ये जो किताब थी इसमें से हमने ये वाला नोट किया था आंसर, ऐसा है ना, हमने ये फॉर्मूला बना के देखा था कैसे बनता है, और वो चीज़ ना मेरे मेरी आंखों के सामने, मतलब ऐसे आंख में, ब्रेन में वो पन्ने पलट रहे हैं। तो ये चीज़ होती है आपके दिमाग में, पैगिंग होती है इन चीज़ों की, मैं कहती हूँ ना एक पैगिंग सिस्टम। उसके बाद से आई वॉज लाइक कि जो है ना, अगर कोई भी टीचर बोल रहा है कि भैया ऐसा करना है, तो आई यूज टू राइट, ठीक है, चीज़ें होती हैं ये, अब आप मानो ना मानो, लेकिन अपने लिखने का बहुत फ़ायदा होता है। लिखने से आपका सेंसरी ऑर्गन, हाथ यानी कि स्किन, आपकी आँख और आपका ब्रेन, साथ साथ अगर बोल के लिख रहे हो तो आपके कान, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स एक साथ एक्टिव होते हैं। चलिए, लैक्टिक एसिड जो होता है आपको कर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके बारे में डिटेल्स लिखी, और ये सब चीज़ें मैं आपको कब पढ़ाया था, मैंने ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने एसिड्स वाला चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री में आपको, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, सिट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंड यस, इस टाइम पे मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारी जो मैम थी साइंस की 10th में, शालिनी मैम, थैंक यू शालिनी मैम। चलिए तो यहाँ पे आ जाता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस, यानी कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो है भाई अच्छा हाँ, इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन, CDS 2019, CDS 2, हाँ CDS 2 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसके अंदर पूछा गया कि जो डांडी मार्च थी, जो डांडी मार्च थी, उसके अंदर कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, कौन से केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया था, कौन से रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ऑप्शन में आपको HCl दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए था NaCl, ऑप्शन नंबर 3 था आप लोगों के लिए NaOH, और ऑप्शन नंबर 4 था ग्लूकोज। बताइए जरा, वाष्पीकरण, यस वेरी गुड। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या आ जाता है कि सॉल्ट जो होता है ना, वो हम किसके द्वारा, इवेपोरेशन की प्रक्रिया द्वारा ऑप्टेन करते हैं। अब इवेपोरेशन में होता क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका नमक और पानी का घोल है मान लीजिए। अब आप क्या करो, अब आप इतनी धूप में इसको रख दो कि क्या हो जाए, धूप में रखने की वजह से पानी सारा उड़ जाए, ठीक है। तो अब पानी के साथ सब नमक थोड़ी उड़ेगा, तो नमक यहीं पे नीचे रह जाता है,
और इस प्रकार से आपका नमक जो है वो आइसोलेट कर लिया जाता है समुद्री जल से, और वो जो पानी उड़ गया वो ऊपर भाप के रूप में जाएगा, बादल बनाएगा, फिर वो कहीं बरसेगा और फिर जो है वाटर साइकिल आपका इस तरीके से चलता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, सेडिमेंटेशन जो होता है, अवसादन जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको नीचे सेटल डाउन करा देते हैं। जैसे कभी कीचड़, बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाती है किसी जगह पे, अब क्या हुआ, बहुत देर तक वो जो कीचड़ है उसमें से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर आपको थोड़ा साफ पानी दिखता है, नीचे उसमें मिट्टी हो जाती है, दिस इज सेडिमेंटेशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, उसमें से कोई गाड़ी निकलेगी, फिर से क्या होगा, वो सारा का सारा जो कीचड़ है, मिट्टी है, वो सब पानी में मिल जाएगी और फिर से वो कीचड़ बन जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेडिमेंटेशन होता है कि जिसके अंदर आपका जो लिक्विड और जो आपका सॉलिड पार्ट है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो लिक्विड वो सॉलिड पार्ट है, जो पार्टिकल्स हैं वो भारी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपके लोहे को बचाया जाता है जंग लगने से। किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जिससे आपका जो लोहा है वो खराब नहीं होता। इसको हम कलई करना भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, कलई कर दी। तो कलई मतलब क्या, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। और सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी सॉलिड को सीधा गैस बना दें तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन। जैसे ओडोनिल, ठीक है, जैसे कपूर, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक है, ये सब क्या है, सीधा सॉलिड से गैस बन जाती है, वो होता है सब्लिमेशन। चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो कि CDS 2019 में जो पूछा गया था, डांडीवाज में कौन सा केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल हुआ, तो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हुआ था, NaCl का इस्तेमाल हुआ था। भैया डांडीवाज किससे रिलेटेड है, नमक सत्याग्रह से ना, तो यहाँ पे नमक ही तो पूछ रहे हैं। यस, कोई बात नहीं नीलम, ओके, हाँ जस्तीकरण भी कहते हैं उसको, यस वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए जी आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, हर गोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ डैश। जो हर गोविंद खुराना थे उनको डैश के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि दवा के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, और शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में। डॉक्टर हर गोविंद खुराना का जन्म जो हुआ था ना, पंजाब में हुआ था, ठीक है। एंड इनके जो फादर थे वो पटवारी, एंड ये क्या करते हैं ना, अपने मतलब सारे भाई बहनों में सबसे छोटे भी हुआ करते थे और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर ये लंदन जाते हैं, लिवरपूल यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट करते हैं। उसके बाद ना इनको अमेरिकन सिटीजनशिप ऑफर होती है, वहीं पे मतलब अमेरिका में ही इन्होंने क्या किया था, अमेरिका में ही इन्होंने पूरा काम वाम किया था, इन्होंने वर्क वहीं किया था। फिर वहीं की एक महिला से भी इनकी शादी हो जाती है, जो शी वॉज ऑल्सो वो क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, ठीक है, द लेडी वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट। तो अब ये दोनों जो है मिलके क्या कर रहे हैं, मिलके DNA के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती है, वहीं पर वहीं के हो जाते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं है तो क्या, डायस्पोरा ऑफ इंडिया यही है ना, मूल जड़े तो यही है। तो अब क्या होता है कि डीएनए के अंदर आपको जीन मिलती है, ठीक है, और जीन ही पूरी की पूरी इकाइयां हैं, ये सब जो पूरी की पूरी एक एक चीज है ना, कि DNA RNA से बना वो जीन जो होता है उसके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ऐसे लोगों के कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हैं। तो ये जो पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है अबाउट DNA, ये किसने बताई थी, हर गोविंद खुराना ने, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है कि भैया इनको मेडिसिन में यानी कि जो आपका बायोलॉजी है उसके अंदर इनको क्या दिया गया था, नोबल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यस, ए सभी ने सही उत्तर दिया है। और कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। चलिए आंसर कीजिए अपने इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। भैया आप क्या हो, आप अभी समंदर में नीचे खड़े हो, ये रहा समंदर, ठीक है, आपकी सबमरीन है यहाँ पे, ये आपकी सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन किसी और रंग से बनाएंगे हम, नहीं इसमें मजा नहीं आया इस सबमरीन में। ये आपकी सबमरीन है, नहीं ये दिखेगी नहीं, चलो काली सबमरीन, ये आपकी सबमरीन है, ठीक है। यहाँ पे दुश्मन की शिप आ रही है,
ये दुश्मन की शिप आ रही है, आपको इसको पकड़ना है, जांचना है कि भैया क्या ये दुश्मन की शिप है या दोस्तों की शिप है। दोस्त की शिप है तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से निकलोगे, खुद ऊपर देखोगे, हैं ऐसा होगा नहीं। क्या करोगे, यहाँ से आप एक कुछ डिवाइस निकालोगे जो क्या करेगा, जो आपको ऊपर का व्यू यही दे देगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, पहला पूछा है आपसे ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या करता है, ये आपके डिस्टेंस को नापता है, आपकी गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, जो दूरी बताता है कि भैया आपका पहिया कितनी बार घूम गया। ठीक है, आपकी गाड़ी का एक पहिया कितनी बार घूम गया, कितने उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया, वो बताता है ओडोमीटर। ठीक है, दूसरा कौन सा आया है, पिरहेलियोमीटर। अब ये पिरहेलियोमीटर क्या है, देखो हेलियो मतलब होता है सन, हेलियो का मतलब क्या होता है, सन होता है, पिर का मतलब होता है एनर्जी या फिर हीट। ठीक है, पिर का मतलब क्या होता है, पायर का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ऊर्जा होता है। तो सन के पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी भी एक पर्टिकुलर स्पॉट से कितनी हीट निकल रही है वो मापता है आपका पिर हेलियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हिप्सोमीटर। अब ये जो हिप्सोमीटर होता है यह क्या करता है कि जैसे आपका ये जो शिप है, आपका ये जो सबमरीन है, शिप नहीं सबमरीन, ये जो आपकी सबमरीन है, ये इससे क्या बोलते हैं, जो पानी के नीचे जो जमीन है, कहीं ना कहीं तो जमीन है ना, जो आपके ओशन का फ्लोर है, तो उस फ्लोर से कितनी हाइट पे है आपका जो शिप है, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर जगह पे आपका जो थर्मामीटर है उसको कैलिब्रेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हिप्सोमीटर क्या है अभी दिखाती हूं। तो यहां पे देखो, तो हिप्सोमीटर इज अ डिवाइस फॉर कैलिब्रेटिंग थर्मामीटर, जो थर्मामीटर को कैलिब्रेट करता है, मतलब उसको एक सही, उसकी जो भी उसके अंदर एरर होती है ना, उसको हटाने का काम करेगा एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट अ नोन हाइट अबव सी लेवल। ठीक है, किसी सी लेवल पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे, या फिर जब आपका पानी जब बॉइल करता है, ठीक है, जब आपका पानी जब बॉइल करता है उस टाइम पे आप थर्मामीटर को कैलिब्रेट करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हो वह क्या है, वह आपका हिप्सोमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे पिरहेलियोमीटर क्या है, यह आपका वो है इंस्ट्रूमेंट है जो सन से एक जो पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी एनर्जी आ रही है उसको मापता है। और पेरिस्कोप क्या हो जाता है, वो आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है, जो देख रहा है इस लेवल पे खड़े होकर इस लेवल की जगह को, इमेजेस को आप देख सकते हो। आप यहाँ खड़े हो, आप इधर की इमेजेस देख पा रहे हो इसकी मदद से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहे हैं, बच्चा आप बताइए मुझे कि जो पेरिस्कोप होता है इसमें कौन से मिरर इस्तेमाल होते हैं, यूजेस डैश मिरर, कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है और कितने मिरर इस्तेमाल होते हैं, जल्दी से बताएं। थैंक यू नीलम मधब। पेरिस्कोप ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन आगे यह भी तो बताओ ना कि मैंने आपसे अगला सवाल पूछा है कि ये जो आपका पेरिस्कोप है ये कौन से मिरर को प्रयोग करता है। उत्तल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां बजाए अपने लिए। दो मिरर इस्तेमाल करता है, ठीक है, बहुत अच्छे। स्नेक में क्या मिलता है, ये पूछा ना, स्नेक में वेनम होता है, जहर होता है, यहाँ जो उसकी पैरोटिड ग्रंथियां होती है ना उसके अंदर जहर होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो जो वेनम होता है उसकी वजह से अक्सर आपकी मृत्यु हो सकती है, कभी कभार देख के भी मृत्यु हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है कि ओह सांप खत्म। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा सांप जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वो क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड जो होता है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसमें हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, उत्तल, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, सब लोग अपने लिए ताले बजा लो, सबका आंसर गलत है। देखो, ये जो पेरिस्कोप होता है, इस पेरिस्कोप के बारे में क्या कहेंगे, दो मिरर इस्तेमाल होते हैं, एक मिरर लगा है यहाँ,
और दूसरा मिरर लगा है यहाँ, ठीक है। दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर मैं आपसे पूछूं कितना एंगल, दोनों के बीच का एंगल है कितना, क्या कहोगे आप? कहोगे मैम दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, है ना। ऐसे हैं ये दोनों, अगर मैं दोनों को एक ही पॉइंट से इन दोनों के बीच का एंगल देखूं तो कितना एंगल आया, 0 डिग्री, ठीक है। तो दोनों, ये भी CDS में क्वेश्चन पूछा गया था और शायद 2019 वाले भी पूछा गया था। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। अक्सर बच्चे इसमें 180 डिग्री लिख के आते हैं, तो ध्यान रखना 0 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात क्या आ जाती है, कौन से मिरर हैं? ये आपके प्लेन मिरर हैं, समतल दर्पण है ये, ठीक है, समतल दर्पण होता है ये। बात समझ में आई? चलो ओके ओके ओके, एक बच्चा पूछ रहा है जो मैम स्नेक खाते हैं उनकी डेथ नहीं होती क्या? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ लोग होते हैं जो क्या खाते हैं, जो ना क्या बोलते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, तो नॉन वेज में जैसे जो भी चीज़ वो खा रहे हैं तो क्या जो वो आपका कुछ पार्ट होता है उसको रिमूव करते हैं? आप कहोगे यस मैम, ऑब्वियस बात है कि कुछ चीज़ें जो भी होती होंगी, जैसे मान लीजिए आप क्रैब खा रहे हो, केकड़ा खा रहे हो, प्रॉन्स खा रहे हो, तो अब ऐसा थोड़ी है प्रॉन्स के वो जो वो ऐसे काइटिन की जो उसकी वो बनी होती हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्या बोलते हैं उसे, जो उसकी टांगें जो होती हैं, ठीक है, वो जो उसकी टांगें होती हैं आप उसको भी खा लोगे? नहीं ना। मछली जब खाते हैं लोग तो मैम मछली की हड्डी भी खा लेते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें रिमूवेबल पार्ट होता है। ऐसे ही जो लोग जो हैं जो स्नेक ईटर्स होते हैं वो लोग भी क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जगह को निकाल देंगे जहाँ पे उसका पैरेटेड ग्लैंड है, ठीक है, मुंह वाला हिस्सा निकाल देंगे, निकाल के फेंक दोगे, खत्म काम, ठीक। चलिए थैंक यू। चलो जी, तो अब ये बात समझ में आई, पेरिस्कोप में कौन से मिरर इस्तेमाल होते हैं? क्या कहोगे? दो प्लेन मिरर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। कितने प्लेन मिरर? दो प्लेन मिरर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों प्लेन मिरर हैं ये 45 डिग्री के एंगल पे आपके इंस्ट्रूमेंट से जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ देख रहे हो ना, एक मिरर मैंने ऐसे रखा है और दूसरा ऐसे रखा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है अपने बेस के साथ, आप क्या कहोगे, 45 डिग्री। ये भी ध्यान रखना, इसमें दो जगह एंगल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो है कि इनका आपस में 0 डिग्री आपस में, ठीक है, लेकिन 45 डिग्री इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, 45 डिग्री किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब जिसका जिसके ऊपर ये चिपके हुए हैं उसमें 45 डिग्री के एंगल पे चिपकाए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, कीजिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे खाली पेड क्लासेस नहीं, बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चलती हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, तो आप उन फ्री क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और आप इन फ्री क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप वहां से, ठीक है। ए ए ए मधुमेह, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी डायबिटीज होती है ना वो क्या है, वो आपकी किसी से ऐसे नहीं कि जो मैंने छींका मेरे को डायबिटीज है, किसी और को भी डायबिटीज हो गई, नॉट पॉसिबल। क्या करोगे? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भैया डायबिटीज कैसे हो रही है, क्योंकि इंसान के अंदर जो पैनक्रियास है उसने इंसुलिन बनाना कम कर दिया, डायबिटीज हुई इस कारण, यानी कि शरीर में खुद से डिफेक्ट जनरेट हुआ। दूसरी चीज क्या आ जाती है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है, मैंने छींका मेरे को टीबी है, सामने वाले को भी होने की संभावना है। स्मॉल पॉक्स क्या है, यह आपका एक वायरल डिजीज है, ठीक है, किसके कारण हो रहा है, वरियोला जोस्टर के कारण हो रहा है, ठीक है। वरियोला जोस्टर क्या है कि भैया छूने से फैल सकता है। कॉलेरा की बात करते हैं, ये क्या है भैया, इसके अंदर आप क्या पानी के माध्यम से इसको फैला सकते हैं, ठीक है। कैसा डिजीज है, विब्रियो कॉलरी के कारण हो रहा है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है।
तो ये भी ध्यान रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ठीक है नीलम, नीलम अधब, आज क्या हो गया भैया, आज आंसर नहीं कर रहे आप हैं, आज तो बस ऐसे ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो। पढ़ लो, यहाँ पे मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग सिलेक्शंस लेके आओगे, ठीक है। जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है मैम क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। बच्चे अब खुद देखो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के ईयर भी लिख रखे हैं इसी वजह से, ताकि आपको यह पता चले कि ये क्वेश्चन दोबारा एसएससी भी रिपीट करती है, तभी हम आपसे बार बार फोकस करवाते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। ओके ए ए ए, चलिए जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का किसका काम है? बच्चे आंसर कर रहे हैं ए गुर्दा, ठीक है, बी गुर्दा, लीवर, किडनी, ठीक है, सब कुछ आ गया। ओके बहुत अच्छे, तो जिन बच्चों ने गुर्दा आंसर किया है यानी कि यकृत सॉरी वृक आंसर किया है, उनका आंसर बिल्कुल सटीक है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। भाई देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि अमोनिया निकालना है शरीर से, ठीक है, तो क्या करोगे? तो अमोनिया निकालना है भैया, नाइट्रोजन निकालना है, किसका काम है? किडनी का काम है, ठीक है, ये किडनी का काम है। किडनी में जो आपका नेफ्रॉन होगा ना, कल हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल और किसके बारे में? ग्लोमेरुल्स के बारे में। तो वही जो आपके नेफ्रॉन होता है ना, वही क्या करेगा? वही यहाँ पे उसी के अंदर अमोनिया अलग किया जाएगा, ठीक है, उसी के अंदर जो यूरिक एसिड आ रहा है वो अलग किया जाएगा। तो बेसिकली जितने भी नाइट्रोजिनस अपशिष्ट हैं उसको कौन निकाल रहा है? किडनी निकालती है। लिवर क्या करेगी? लिवर बच्चे टॉक्सिक पदार्थ निकालेगी। टॉक्सिक पदार्थ बोले तो आपने कभी जहर खा लिया, याद है सीआईडी में डॉक्टर सालुंके को कैसे पता चलता था इसने कौन सा जहर खाया? उसके लीवर में सैंपल रह जाता था, ठीक है। लीवर का काम ही यही होता है कि ये जो है ना ऐसे टॉक्सिक पदार्थ को निकालेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ठीक है। फेफड़े क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है आप लोगों के लिए। संवेग यानी कि मोमेंटम की एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एजुकेशन एकेडमी विपिन कुमार कह रहे हैं मैम कल एक सर ने लीवर बताया था। बच्चे देखो, क्वेश्चन शायद आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट लिखा होगा ना तब तो उसका आंसर किडनी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बजाय क्या लिखा हो, वहां पे लिखा हो टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, जैसे जहर आदि खा लिया, जैसे आपने क्या किया एक्सेस ऑफ आपने विटामिन्स खा लिए, ठीक है, ज्यादा मिनरल्स खा लिए या ऐसी कोई भी चीज खा ली, तो उन सबको निकालने का काम लीवर का होता है, ठीक है। यस ओके ओके हाँ, अरे भैया पता नहीं, चलो यहाँ पे उनकी आवाज पे ध्यान मत दो, ठीक है। चलिए संवेग की बात करते हैं। संवेग क्या है? अब देखो संवेग की कुंडली खोल लो पहले। यहाँ पे देखो मोमेंटम होता क्या है, कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी इसके ऊपर हम बार या फिर एरो का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक सदिश राशि होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है पहली चीज। दूसरी चीज, संवेग आखिर होता क्या है कि भैया कोई भी जो बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी अचीव कर सकती है, उसके अंदर जो क्या है एक पोटेंशियल है वो कितना है चलने के लिए, ठीक है, वही क्या होता है उसका संवेग होता है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास को नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, इसकी डायमेंशनल यूनिट भी बता दीजिए, तो क्या होगी डायमेंशनल यूनिट? किलोग्राम से नापते हैं हम मास को, मीटर से नापते हैं लेंथ को, और सेकंड से नापते हैं टाइम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन हो जाता है। ठीक है,
चलिए ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक और चीज बताएंगे कि जो जूल है वो किस किस की इकाई होती है। एक क्वेश्चन और, जो MLT-1 है, MLT-1 क्वेश्चन है ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? MLT-1 इज ऑल्सो डायमेंशनल यूनिट ऑफ डैश, यानी कि ये जो MLT-1 है निम्न में से किसका अन्य किसका विमीय सूत्र है? ठीक है, ये आपका क्या है आज का होमवर्क क्वेश्चन, और मैं इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि जितने भी प्यारे छात्र हैं वो सही आंसर दे पाएं। ऑप्शन नंबर ए है आपका फोर्स, यानी कि बल। ऑप्शन नंबर बी है आपका इनर्शिया, यानी कि जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी है आपका इंपल्स, यानी कि आवेग। और ऑप्शन नंबर डी है मोटा, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर कीजिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको होमवर्क सेक्शन में देना है। ओके वैभव जा, मुझे जरा क्लास नंबर बता दीजिएगा क्योंकि मैं जानना चाहूंगी किसमें ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? और ये जो आंसर है ना, ये जो क्वेश्चन है, देख लेना इस बार आपका जो भी SSC के एग्जाम होने वाले ना, उनमें से एक किसी एग्जाम में ही रिपीट होगा, 100% गारंटी इस चीज की। ये क्वेश्चन रिपीट होगा इस साल। हमें यहाँ चैट डिस्कनेक्ट हो गया। जल्दी से बताएं। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ देखो, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, जब मैं इसकी बात करती हूँ, तो जब भी हम अपने किसी भी वस्तु को क्या करें, इतने कम टेम्परेचर तक ठंडा कर लें, इतना कम टेम्परेचर कि भैया वो क्या हो जाए, वो आपका सुपर कूल हो जाए। ठीक है, कि वो क्या हो जाए, वो आपका सुपर कूल हो जाए, तो वो क्या रहेगा, वो आपकी एक अवस्था में रीच कर जाता है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को बच्चे हम लोग कह देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, क्या कह देंगे उसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कह देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका गैस है, यहाँ पे ध्यान रखना, गैस को हमने इतना ठंडा किया है कि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल एकदम नजदीक आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैस को इतना ठंडा किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गैस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ठंडा किया। ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 0 केल्विन तक के टेम्परेचर तक हमने ठंडा कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? कीजिए आंसर, देखें जरा आप लोगों के कमेंट्स। यस, वेरी गुड जैन सिंह राजपूत। ओके ओके ओके, ये कैसी आवाज थी, क्या बोलते हैं, आपके कमेंट्स उसमें लगवा रहे हैं लैपटॉप में। ठीक है, ओके ओके ओके, यस वेरी गुड। ठीक है, चलो अब तो ठीक है, अब तो ना आ रही वो वाली आवाज, या अभी भी आ रही है। एलवली एलवली एलवली, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था आपको,
ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने शायद आपको किसी मैराथन सेशन में क्वेश्चन ये कराया है। ठीक है भाई, देखो क्या होता है हमारी, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेके एक्चुअल में जो एक्सचेंज हो रहा है, हमने सांस ली, हम सारी गैसेस को अंदर ले गए, लेकिन जो एक्सचेंज हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हुआ, तो इनमें से कौन सी जगह में होता है? एल्वली में होता है, वायु कोपिका में होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, Which of the following condition is required for iron to rust? भैया अगर क्या करना है, अगर आप आयरन को जंग लगवाना चाहते हो तो इनमें से कौन सी चीजें आप लोगों को क्या देनी पड़ेंगी, कौन सी चीजें आप लोगों को आयरन को उपस्थित करानी पड़ेंगी? पहली चीज है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन ना हो। दूसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ना होनी चाहिए। तीसरा है एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वहां पे पानी ना हो। और चौथा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इनमें से कौन सी चीज आवश्यक है ये बताना है आपको। डी डी डी, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। भाई देखो अगर मैं आपसे आयरन की बात करूं तो आयरन होता है फेरस, यानी कि Fe। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि इसके पास एक से ज्यादा क्या रहती है, इसके पास एक से ज्यादा आपकी वैलेंसीज होती है। ठीक है, क्या है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट। पता है ना बचपन में समझ नहीं आता था, मतलब जब हमने पढ़ी थी ना शुरुआत में, पहली पहली बार जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, कि यार ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है। ठीक है, तो बाद में पता चला कि ओहो इसके पास जो है ना एक से ज्यादा वैलेंसीज होती है। Fe2+ भी हम पढ़ते हैं, Fe3+ भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा वैलेंसीज। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? संक्रामक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ ना आक्रामक तत्व जैसा लगता है कि भैया अच्छा सामने वाला तीर चला रहा है, मैं भी तीर चला दूंगा, सामने वाला जो है तलवार ले गया है, मैं भी तलवार लेके कूदूंगा, कुछ ऐसा सा है। नेक्स्ट आता है रस्ट। रस्ट की जब हम बात करते हैं, ये होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जब भी किसी आयरन को जंग लगाना है, वहां पे दो कंडीशंस मैंडेटरी हैं, पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है मॉइस्चर होना, नमी होना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती हैं आपके रस्टिंग के लिए। रस्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है आपके पेपर में। ठीक है, तो रस्ट का कलर कैसा होता है, जंग का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए। एक अम्ल और क्षारक के बीच या क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। मुझे बताइए जरा कि जब भी हम किसी एक अम्ल और क्षार के बीच एक प्रतिक्रिया कराते हैं, एक अभिक्रिया कराते हैं, तो उसको हम किस रूप में जानते हैं, बताइए? वाष्पीकरण कहते हैं, उद्गतिकरण कहते हैं, या फिर उसको ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हो। ठीक है, ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हो आप इसको, निष्प्रभावीकरण भी कह सकते हो, या नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि निष्प्रभावीकरण, जिसको उदासीनीकरण भी कह देते हैं, और लास्ट आ जाता है एसिडिफिकेशन, यानी कि अम्लीकरण। सी, ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? निष्प्रभावीकरण जो होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, वो इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाता है कि भैया जब भी आप किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हो तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे लवण, और लवण के साथ क्या बनेगा, जल बनेगा, सॉल्ट के साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। सबसे बेसिक एग्जांपल जो आप देखते हो वो है HCl। जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे NaCl बनता है और साथ में रिलीज होता है H2O। ये क्या है? ये आपकी एक अम्ल और क्षार के बीच की रिएक्शन है, जिसमें HCl क्या है, ये आपका एक एसिड है, और NaOH क्या है, एक बेस है। ठीक है, होमवर्क देखिए प्रिया। हाँ, मैंने आप लोगों का होमवर्क देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर, आप लोगों ने सही, सभी ने सही होमवर्क का आंसर दिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे, इसी तरीके से काम करते रहा करो, बस एकदम मजा आ जाता है जब आप ऐसे इसी प्रकार से पढ़ते हो ना, फिर मुझे लगता है कि हाँ मेरे जितने भी प्यारे छात्र हैं, सभी को जो है मतलब अपने उस लेवल तक पहुंच रहे हो आप, कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
तो नरगिस ने आंसर किया था मोटिवेशन बाय अंजलि, कह रही है मैम एक बार फिजिक्स और केमिस्ट्री और पढ़ा दो। मोटिवेशन बाय अंजलि, अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही केमिस्ट्री पूरा एकदम फुल डिटेल में पढ़ाया है एमटीएस प्रतिज्ञा बैच में, ठीक है, यही यूट्यूब पे, तो एक बार उसको देख लेना केमिस्ट्री को, वहां से आप पढ़ सकते हो। और फिजिक्स की बात करूँ तो अभी फिजिक्स के और बायो के सेशंस मैंने साथ साथ लिए थे, बाकी इसके अलावा मेरी अलग प्लेलिस्ट भी बनी होगी, फिजिक्स बाय पूर्णिमा मैम सर्च कर लेना, केमिस्ट्री बाय पूर्णिमा मैम सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाइट को मापने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया और आंसर क्या है, ऑल्टीमीटर, ठीक है, क्या होता है ऑल्टीमीटर, कि भैया कितने ऑल्टीट्यूड पे हुआ, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, तो ऑल्टीमीटर इसका आंसर हो जाता है। पावर का वॉट, कैपेसिटेंस का फेरेड, ठीक है, इंडक्टेंस हेनरी, बहुत अच्छे। सुशील कुमार योगी ने ओके वेरी गुड, इन्होंने एक और चीज का आंसर दिया कि मैडम ऑल्टीमीटर के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर क्या होता है इसके भी बारे में सुन लो, जब हम डॉक्टर के पास हाइट नापने जाते हैं ना, या फिर जब आप कभी भी आर्मी वगैरह में जाते हो तो वहां पे एक वो ऐसा बार सा लगा होता है और उसके अंदर फिर ना उसमें ऐसे एक हिंज लगा होता है ऐसा, ठीक है, ये बार है, बार में क्या है इस तरह का हिंज है, उसको आप ऐसे मूव कर सकते हो, आप उसके नीचे जाके खड़े होते हो, जो भी वहां पे आर्मी इंस्पेक्टर होते हैं या फिर जो आपकी हाइट नाप रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस हिंज को नीचे लेके आते हैं और जहां पे आपका जो मुंडी है, जहां पे आपकी मुंडी है मतलब ये सर का जो टॉप वाला भाग है, वहां पे वो आके रुक जाता है, तो ये जो होता है ना इसको हम स्टेडियोमीटर कहते हैं। डॉक्टर्स के पास या फिर आपके जब भी वो होते हैं ना, जब आप अपने फिजिकल देने जाते हो तब आपको ये दिखता है, ठीक है। चलिए, तो वेरी गुड सुशील, ओके सोमनाथ, वेरी गुड प्रिया, शिवानी, चंद्रपाल, बहुत अच्छे, हाँ नरगिस, स्टडी सर्कल, रौनक शर्मा, चलिए वेरी गुड, तो सभी जितने प्यारे छात्र हैं सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आंसर कीजिए। क्वेश्चन कहता है सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन डैश। भैया देखो, हम कहते हैं लवणता, इस जल के अंदर लवणता है, तो लवणता एक्चुअल में होती क्या है, पानी कितना सलाइन है हमें कैसे पता चलता है, कोई स्टैंडर्ड तो होता होगा ना, कुछ तो स्टैंडर्ड होता होगा, जब हम कहते होंगे पानी खारा है, किस हिसाब से खारा है, कितना खारा है, ये सब चीजें बताते हैं ना, तो वो कैसे बताते हैं, जैसे आपको याद अगर हम बात करते हैं एसिडिक है, कितना एसिडिक है पीएच स्केल से नाप लिया, कि अगर इसके अंदर आपको क्या बोलते हैं OH आयंस के मुकाबले H प्लस आयंस 100 गुना ज्यादा मिले, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका पीएच मान कहीं 5 के आसपास होगा, तो कुछ इसी प्रकार का भी तो यहाँ पे भी होता होगा ना, तो आपको यही बताना है कि अगर हम लवणता की बात करते हैं तो कितने ग्राम पानी में जो आपका क्या बोलते हैं नमक मौजूद होता है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं, 1000 ग्राम, यस वेरी गुड, तो बिल्कुल सही, अगर 1 किलोग्राम पानी में आपका जितना नमक मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, सैलिनिटी। मान लीजिए आपने 1 किलो पानी के अंदर आपने 10 ग्राम नमक डाला है तो इसकी सैलिनिटी कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, ठीक है। चलिए चलिए ओके वेरी गुड, हाँ ठीक है नीलदम, ठीक है ए ए ए वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो जितने भी प्यारे छात्र हैं आई जस्ट होप सो आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। इसके साथ साथ अब अगर मैं बात करूं, मंडे का सेशन आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रहने वाला है, और अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भैया फॉर्म भर दिया होगा है ना, अगर फॉर्म भर दिया है तो एग्जाम भी दोगे, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो अगर भरना ही है और नौकरी पानी है तो यहाँ पे इस बैच में आके पढ़ाई करो, जिससे क्या होगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देखिएगा YouTube पे भी, इवन जाके देखिएगा, आपको क्वेश्चंस तक बताए जा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस के लेवल आने वाले हैं आपके पीटी का एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस चीज को, इतनी चीजें दिमाग में सेट करके रखिए कि ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। 8 घंटे की क्लास, डाउट सेशंस यहाँ पे मिल रही हैं, जो आप यहाँ पे पीडीएफ करते रहते हो वो सब पीडीएफ आपको वहां पे मिल रही हैं, और 60 दिन के अंदर कोर्स भी पूरा कराया जाएगा, ये सब चीजें, ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है 999 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग सच्ची में चाहते हो कि भैया आप लोगों को आपका जो जॉब है वो मिल पाए, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
ठीक है। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपका जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं पाराशर सर, आप इसको डाउनलोड करके वहां पे इसको जरूर किया कीजिए। क्योंकि देखो मैं सही से ही बता रही हूँ, मैथ्स का जो लेवल है ना वो क्या है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। कभी बहुत इजी, कभी बहुत टफ कर देता है, कभी ज्योमेट्री ज्यादा दे देता है, कभी अरिथमेटिक ज्यादा दे देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना सर आपको कवर कराएंगे कि भैया एक साथ ही कौन से एग्जाम में, जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना एमटीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ही आपको सभी रिसेंट जितने भी पेपर है सबको क्वेश्चन सर कराने वाले हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे कल भी परसों भी। और हाँ, परसों का सेशन, संडे का सेशन सुबह 10 बजे, किस चीज का, एक करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आने वाली हूँ विशाल सर के साथ। और दूसरा 12 बजे बॉटनी का सेशन, इसको जरूर करना है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर आप लोग ऐसे ही और सेशंस चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करो, ताकि हम लोग और ज्यादा मोटिवेट हो और क्या करें, आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस लेके आए। लेकिन इन सेशंस की जानकारी आपको अक्सर मिलती नहीं है, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। तो क्या करना पड़ेगा, सेशन को पाने के लिए टाइम से मिल जाए, अब तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे आज यही विराम लेंगे, ठीक है, मिलेंगे संडे को सुबह 10 बजे। दिस इज पूर्णिमा गार साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।